किसी ने कहा था किसी से मत कहना, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, आप भी किसी को मत कहना। राम राम तो खमा गणेश, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 232 महीना आप स्वागत है। तो सुनसा देखो साहब, रमेश कह रहे कि लॉकडाउन एक चीज रो तो ठा पड़ी है कि घर में बीविया ने घणो काम होवे, इन वास्ते दो बीविया तो होनी चाहिए। लॉकडाउन में लोगों की अलग अलग परेशानियां है, कोई की नहीं एक झलक पाउन वास्ते बेताब है, तो कोई की नहीं दिन रात देख देख नीच परेशान। अब देखो सा, इनमें इन्हें पत्नी रो कटी जिक्र करनो सही नहीं है। रमेश तेरी माँ रमेश कहवे की ले चरा खिचड़ो खा ले, तो रमेश कहवे की माँ खावना तो आज फेरा हा, पर कई करा मैं तो खिचड़ो ही खाल दे। अकती जी नहीं घीपरी आज रो ज्ञान सुनो सा, झगड़ो हुण माते धनी आपरी लुगाई ने अगर पागल औरत री जगह पागल लड़की कह दे दी तो मामला वटे खत्म हो सके। देखो सा, परवीन इंटरव्यू देने गयो तो बटे ने पूछियो कि आपको कितने सालों का अनुभव है, तो परवीन बोले जी माफ करना कभी सालों पर तो ट्राई नहीं किया पर 3 सालियों का अनुभव तो जरूर है। ना वो इकरार करती है और ना वो टकरार करती है, कमबख्त मेरे ही सपने में आकर मेरे दोस्तों से प्यार करती है। हमारे रमेश आते इतनी मोटी परेशानी है। देखो सा, लॉकडाउन में एक शराबी शराब पीने घूम रहे तो तभी ने पुलिस पकड़ने लेगी। 400-500 लोगों की भीड़ उन लाला लाला थाने गई थी। इतनी भीड़ देखकर पुलिस वाला सोचियो कि वो शराबी जरूर कोई प्रभावशाली है, ऊपर पुलिस वाला उन्हें माफी मांगन उन्हें छोड़ दियो, शराबी बारे आने हैंगा ने धन्यवाद दियो। तो भीड़ बोली भाड़ में गियो थारो धन्यवाद, तू तो बता क्या मिल कट रही है। देखो सा, कुछ छोरा तो इतना तगड़ा आशिक होवे कि जेंट्स टॉयलेट में भी लिखन आवे आई लव यू अंजलि। अभी भी छोरा ने पूछो कि अंजलि के जेंट्स टॉयलेट में आई पढ़ून वास्ते, मार साहब कहवे कि एक दिन मेरा देश जरूर भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये किस टेंस का वाक्य है। तो रमेश बोलियो इम्पॉसिबल फ्यूचर टेंस। देखो साहब, मैं 6 बजे और एक अलार्म लगा 5 बजन 59 मिनट माते उठ और इन्हें बंद करन 5 सजू पच्चे मने ऐडी फीलिंग आवे नहीं कि जाने कोई मैं बम डिफ्यूज करियो। देखो सा, काले रमेश यार दोस्त रमेश यार फोन करियो और बोलिया ले ली क्या। 30% दोस्त कहो दुकान बंद है और 10% लोग कहो कि वो तो लेते ही नहीं है। 25% लोग कहो पत्नी के भय से इस विषय में सोचना ही बंद कर दिया। 20% लोगों ने कहा कहीं मिल ही नहीं रही है और बाकी के 15% लोग बोले कि अड्डे पर छापा पड़ गया, किसी ने वैक्सीन का नाम ही नहीं लिया। लगभग हैंग पिए कड़ी छे, जमीन पर शोर मचा था कि हमारी हुकूमत हमारी मर्जी, और फिर कुदरत ने सबको बताया मेरी दुनिया मेरी मर्जी। देखो सा, रमेश कह रहे कि मैं एक दिन पोस्ट नहीं करूँ नहीं तो मारा मोबाइल उछल उछल पूछन लाग जावे कि मालिक सेटिंग आएगी के धानी। लॉकडाउन में पड़े पड़े पुरानी बातें याद आ रही है, अगर वो यूं हाल तो रही नहीं तो लाल जन्म भी याद आ जावेला। जिंदा है तो निंदा होगी, तारीफों के लिए तो मरना पड़ता है साहेब। फूफा जी बोले कि लॉकडाउन में हैंगर अलग अलग परेशानियां है, कोई पड़ोसन रही एक झलक पाने वास्ते बेताब है, तो कोई लुगाई न देख देख नहीं परेशान है। राम राम सा खमा गणेश, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक से कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।